नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। सोयल दो भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र ने कलवा में अपनी पार्टी का विस्तार करते हुए नई नियुक्तियां की। जहां 18 फरवरी को ओम प्रकाश राजभर जी का आगमन है, वहीं सोयल दो भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र अपनी पार्टी का विस्तार करने में लगी है। नियुक्ति देने पहुँचे सोयल दो भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष रविंद्र राजभर जी, महिला उपाध्यक्ष लाजवंती राजभर जी, ठाणे जिला अध्यक्ष रमेश राजभर जी, मीडिया प्रभारी संतोष राजभर जी इस मौके पे उपस्थित रहे। तो आइए दिखाते हैं यह वीडियो। क्या है, आप एक विजिटिंग कार्ड बनाइए, उसके नाम बताने से ज़्यादा ये विजिटिंग कार्ड, विजिटिंग कार्ड हो गया आपका, एक लेटर हेड हो गया, आईडी बना लेंगे। तो कहीं भी जा रहे हैं, किसी की मदद करने जा रहे हैं, तो भाई आप वहाँ आईडी आपको दिखाएंगे, नाम से ऐसा बोलेंगे तो नहीं मानेगा, आईडी दिखाएंगे तो आपका पर्स भी रहेगा उसमें। छोटा हेड भी बना लिए और समाज के लिए भाई बोलने के लिए काम करिए। अभी तो ओम प्रकाश जी आ रहे हैं, तो सभी लोग मिलके वहाँ पे आया जाए, उस मीटिंग को हम लोग मजबूत बनाए। इस तरह से हम लोग का भी चेहरा आए कि हम लोग भी राजभर हैं, मीडिया भी आके वो लोग आए। वो कार्ड वो कैसे बनेगा, मजबूत भी तो वो जो पेन कार्ड बनाते हैं ना, पेन कार्ड निकाल ये है मैडम की बनाया है, नज़दीक में बना लेंगे। पहला एक है कि जैसा ये लेटर हेड है ना, इसी तरह का एक आपके नाम का बनेगा, तो उसमें खाली सिंबल हो, सिंबल मतलब जो चुनाव चिन्ह है हमारा छड़ी, वो रहेगा, वो लेटर हेड पे कुछ नहीं टाइप किया रहेगा, केवल ऊपर है। मान लीजिए कि जैसे ये कलवा क्षेत्र है, यहाँ पे कोई समस्या है, जैसे मान लीजिए कि कचरा साफ नहीं हो रहा है, तो आप नगर सेवक कि आप एक तो नगर सेवक को अपना लेटर लिख सकते हैं, तो उससे पता चलेगा कि आप इस पार्टी के। दूसरा जो BMC है, जैसे यहाँ पे TMC है, थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, तो थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में किसको कंप्लेंट करना है, क्या कंप्लेंट करना है, वो सब हम बता देंगे, लेकिन आप अपने लेटर पे लिखिए, साइन करिए और आपको स्टैंप, तो आपको लेटर हेड बनाना पड़ेगा, एक ID कहीं पर भी जा रहे तो आप बता सकते हो ID है, और एक होता है विजिटिंग कार्ड, मतलब उस पर आपका क्या बोलते हैं नाम, कोई भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर मांगता है तो आप उसको कार्ड दे सकते हैं, और चौथा रहेगा रबर स्टैंप, उस पर स्टैंप लगा है, वही आप किसी को दिखाएंगे तो आपको ऐसा स्टैंप बना के दे देगा, तो लेटर जैसे लिखो उसमें आप साइन मारेंगे, स्टैंप मारेंगे, तो उस माध्यम से आप क्या करेंगे, संपर्क करेंगे, तो उससे आपका क्या होगा, वर्चस्व बढ़ेगा, लोगों को पता चलेगा कि अच्छा इस फला फला पार्टी के लिए फला फला अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष जो भी आपका पोजिशन है। लेटर पैड पे ना, हाँ ये सब कुछ रहेगा, खाली ये पूरा लाइन नहीं रहेगा, ये पूरा सादा रहेगा, इस पर आपको लिख के जैसे BMC में अभी तो कैसे ऑनलाइन में ना उसमें कैसा है ना कि ऑनलाइन में आप निकालेंगे कि महानगर पालिका का मतलब कॉन्टेक्ट नंबर तुरंत आपको निकलेगा, अगर कहीं जैसे गली में कुछ गलत काम हो रहा है या किसी का हो रहा है, मैंने कितना ऐसा काम किया, खाली फोटो खींच के तुरंत डालता हूँ, तुरंत रिप्लाई करते हाँ सर क्या तकलीफ है, मैं बताता हूँ भाई, मैं चोर भारतीय समाज पर थाना जिला अध्यक्ष हूँ, ये काम नहीं हो रहा है, तुरंत आपका तुरंत हो जाए सर ठीक है मैं आपका ये करता हूँ, तुरंत आपको रिप्लाई आ जाएगा। युवाओं को जागृत करिए मैडम, बोलिए हम लोग युद्ध बारे में क्या बोलना है, कुछ बोलना है। पहले आप लोग मजबूत समाज से हैं, और एक साथ में अगर मिलके सब लोग कुछ भी काम करेंगे तो अपना काम बनेगा होगा, और जैसे भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश जी आ रहे हैं 18 तारीख को भैंडर में, भैंडर में आ रहे हैं, तो वहाँ आप लोग सब लोग आइए पहली बार, और सबको साथ में लेकर आइए, जितने भी आपके घर में मेंबर हैं, खाना पीना सब वहाँ पे रखा गया है, आप सभी मेंबर को लेकर आ जाइए ताकि जनसंख्या वहाँ ज़्यादा दिखे। और जो ओम प्रकाश राजभर जी हमारे अधिकार के लिए जो लड़ाई लड़ने चले हैं, उसको वो अकेले तो नहीं लड़ सकते, जब हम लोग सब साथ में मिलेंगे तो उनकी उनका मनोबल बढ़ेगा, और उनका मनोबल बढ़ेगा, उनको हिम्मत बढ़ेगी, और वो अपना मतलब जिस लक्ष्य पे चले हैं वो लक्ष्य पूरा करेंगे। जैसे कि सबसे बड़ा लक्ष्य तो अपना यही है कि आरक्षण का लक्ष्य है, आज का सबसे बड़ा विषय वही आरक्षण का बना हुआ है, जो कि हमारा राजभर समाज जितने भी आरक्षण मिलते हैं उनसे वंचित है, और आरक्षण के बिना राजभर समाज पूरा अपना विकास नहीं कर पा रहा है, तो इस विकास के लिए
राजभर जी के साथ में आप लोग आइए, जुड़िए और आप लोगों का सपोर्ट करने के लिए हम लोग भी हैं। और ताकि मंच पे हम लोगों को एक मंच मिल गया है, राजभर समाज का एक मंच मिला है, इस मंच को नीचे गिरने नहीं देना, हम लोगों को मजबूती से साथ देना है। जैसे उन्होंने अपना नाम, हम लोगों का राजभर का नाम ऊंचा किया है और राजभर आज गर्व से अपना नाम लेते हैं सब जगह, उसी तरह से इस गर्व को बढ़ाए रखिए और कामयाबी की तरफ चलिए। और जहाँ भी राजभर ओम प्रकाश राजभर जी आते हैं, बहुत सी जगह पे आने वाले हैं, अभी पहले तो अपना भाईगढ़ में आएंगे, फिर इसके बाद और जगह भी आएंगे, जहाँ मतलब आप लोग जा सकते हो वहाँ जाइए, राजभर जी का मनोबल बढ़ाइए और इसी में हम लोगों की, हम लोगों का विकास है, विकास होगा। और बाकी मैं बोलूँगी कि वहाँ पे आएंगे आप लोग तो कुछ शिक्षा के बारे में भी बात होगी, एक अपने हम लोग यही बताएंगे कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाइए, उनको हेल्प दीजिए। अगर हमने अभी जैसे मुंबई राजभर सेवा संघ बनाया है तो उसमें सिर्फ 100 रुपीज़ ही जमा करना है, वो जमा करते करते हमारे पास अगर ज़्यादा मेंबर हो जाएंगे तो हमारे पास ज़्यादा पैसा होगा। और कोई बच्चा पढ़ना चाहता है या किसी को आकस्मिक दुख पड़ गया तो उनके पास अगर कोई मदद नहीं है तो उसमें से मदद ले सकते हैं। और इस तरह से हम सब एक साथ में जुड़ के इस संगठन को मजबूत बनाना है, ताकि कोई भी हमारे राजभर समाज में गरीबी से रोए ना कि हम बहुत गरीब हैं, वैसे हैं। अगर हम सबका साथ रहेगा तो सब आगे बढ़ेंगे एक दूसरे की मदद से। और हम बोलते हैं कि संगठन में ही शक्ति है, तो इस शक्ति को बढ़ाइए, जितना हो सके उतना आप लोग एक साथ में जुड़िए। और जय श्री अभी आप लोगों का, जैसा मैंने कहा कि आपको जो पद मिल गया है, तो पद मिलना पहले के ज़माने में तलवार मिलने जैसी थी, जैसे आज पद मिला है वैसे पहले तलवार मिल जाती थी तो होता था। तो पद मिलने के बाद देखिए, आप आपने जब भी पढ़ाई किया हो, कहीं पर भी आपने पढ़ाई करके मान लीजिए छोड़ दिया हो, तो मैं ये कहूँगा कि प्रतिदिन अपने आप को आधा एक घंटा दीजिए पढ़ाई में, जहाँ पर हो कुछ भी पढ़ो, किताबें पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, यदि आप समाचार पत्र पढ़ोगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, आप बात कर पाओगे क्या चल रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर एक पार्टी को क्या कर रहे हैं, आप उनको रिप्रेजेंट मतलब आप उनके एक सदस्य हैं, आप उनके एक कार्यकर्ता हैं, तो कार्यकर्ता के रूप में आप किसी और पार्टी के कार्यकर्ता से जब बात करते हैं तो वहाँ पर आपका ज्ञान ये है कि आपको क्या पता है कि देश में क्या चल रहा है, कौन सी पार्टी क्या कौन सी योजनाएं लेके आ रही है, हम कहाँ पीछे हैं, हम कैसे जाएंगे, अगली योजना हमारी क्या बनेगी। ये नहीं है कि यहाँ पर जैसे रमेश जी हैं या रविंद्र जी हैं या हमारी महिला उपाध्यक्ष हैं या कोई भी हो, आप लोगों से हमको गाइडेंस मिलना चाहिए, हम आपको गाइड करेंगे, लेकिन आपसे भी यहाँ पे ऐसा है आदान और प्रदान, ये नहीं है कि हम बड़े हैं या आप छोटे, ऐसा कुछ नहीं, हम सभी एक स्तर पर हैं, आप अपना ज्ञान लेकर आएंगे और हम अपना ज्ञान लेकर आएंगे, तो आपको पढ़ते रहना है, सबसे बड़ी बात है, तब आप क्या करोगे किसी से बात कर पाओगे।